सच्चिदानंद रूपाय विष्णु प्रत्याद हे तुवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये सत चित आनंद तीन बातें बड़े सोचने समझने योग्य। सत कहते हैं परमात्मा को, तो पहले भी सत्य था, है, रहेगा। भाई इसके देखो रूप और नाम तो अलग हो सकते हैं, लेकिन वो है तो एक ही। रूप और नाम तो अलग अलग हो सकते हैं। ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में अखिल यादव की तरफ से आया है, जो नंगला रड़ा के रहने वाले हैं। अखिल यादव की तरफ से हमारे पास में जो 100 रुपए आए हैं, भगवान हमेशा धन दौलत से भंडार होता रहे, सम्मान में सम्मान मिलता रहे। उधर कहते हैं कि इसके रूप और नाम तो अनेकों हो सकते हैं, लेकिन वो है तो एक ही। अब मान के चलो हम एक बार दिमाग में आया, चलो सोना खरीद ले, सोना लेके आए, केवल सोना, आभूषण नहीं। कई वर्षों तक घर पर पड़ा रहा, क्या खरीद के लाए थे? सोना। और जब वर्षों तक पड़ा रहा तो वो क्या रहा? सोना। एक दिन दिमाग में आया, चलो ये सोना तो पड़ा है, इसके आभूषण बनवा ले। सुनार की दुकान पे ले गए, भांत भांत आभूषण बनवाए। अब उसके नाम अलग अलग हो गए, रूप अलग अलग हो गए। एक अर्धनी है, एक कंगन है, एक जंजीर है। पहले क्या था? सोना। आभूषण बनवा लिए तब क्या रहा? सोना। और एक दिन क्रोध आया, घर पर बैठ के ऊखल में सारे के सारे कूट दिए। अब क्या बचा? सोना। जो पहले भी सत्य था, है और रहेगा। चित माने होता प्रकाश, जैसे हमें किसी प्रकाश की जरूरत पड़ती है, और परमात्मा तो स्वयं प्रकाश में है। सूर्य में जो प्रकाश है उसकी वजह से, चंद्रमा में जो शीतलता है उसकी वजह से, और आनंद की तो बात ही कुछ अलग है। आनंद ये बाहर की दुनिया में होता ही नहीं है। लग्जरी गाड़ियों में घूमने का नाम आनंद नहीं है। एसी रूम में डनलप के गद्दों पर लेटने का नाम आनंद नहीं है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाने का नाम आनंद नहीं है। आनंद तो स्वयं भगवान श्री राम है, आनंद तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। देखो आप कोई भी शब्द ले लो, हर किसी का कुछ ना कुछ उल्टा होता। सुख का दुख, लाभ का हानि, आप आनंद का कुछ भी उल्टा नहीं कर सकते हो। आनंद का कुछ उल्टा होता ही नहीं। लेकिन अब तो लोग बात बात में कह देते, बोले हल्दीराम की नमकीन खाई, बड़ा आनंद आया। बताइए तापत्र विनाशा, ये तीन प्रकार के जो ताप है, दैविक, दैहिक, भौतिक, इन तीन प्रकार के दुखों को दूर करने वाली ये श्रीमद् भागवत कथा है। लेकिन करे क्या, वक्ता भी बदले गए, श्रोता भी बदले गए। श्रोता भी एक प्रकार के नहीं होते, श्रोता 8 प्रकार के होते, 8 कभी कहते। तो श्रोता सब श्रोता रूप नहीं, और कुछ सोते और सलाते कभी कहते। श्रोता सब श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सलाते।
इसलिए कथा सुनने के भी फल नहीं एक से होते। हम ये नहीं कहते कि लोग कथा सुनने नहीं आते, सब लोग आते आते तो हैं, लेकिन अपने अपने विचार लेके आते हैं। हाँ, विचार लेके देखा हुआ सोची घर पे समय ना कट रहो, चलो भागवत में ही बैठे। पांडाल में आए, धोख लगाने को मिलेगी तो मिलेगी और ना मिलेगी तो वैसे बैठे बैठे सोई जाते और कछु कथा सुनन लगे बदले में, कछु कथा सुनन के बदले में और जूता चप्पल। कहने का मतलब मेरा ये है, जैसी जाकी भावना बैसो बाय सुहाय और सबे नीम करो लगे लेकिन ऊंट प्रेम से खा। अपने अपने विचार आगे देखो, और कथा को कभी मनोरंजन के तौर पर सरबड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन करें क्या, अब तो भागवती मनोरंजन का साधन बनेगी। जवाब दिया है, आप हमारे साथ में चलो, हम तुम्हें श्री सुखदेव जी के पास में लेके चलेंगे। वो हमें कोई ना कोई उपाय बस बताएंगे। तो महात्माओं का ही वेश धारण कर लिया महाराज परिचय, सबके साथ वहां से पैदल पैदल आगे बढ़ गए। श्री सुखदेव जी के पास में पहुंचे हैं, बहुत सारे ऋषि बैठे हैं, बिठा लिया। सारी बात कही, महाराज हमें सरंगी ऋषि ने श्राप दिया है, मेरी जिंदगी केवल 7 ही दिन की है, मैं मर जाऊंगा। श्री सुखदेव जी समझाते, राजन पहली बात तो ये अपने दिमाग से निकाल दो, जो ये कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी 7 दिन की है, मैं मर जाऊंगा, तुम्हारी ही नहीं बल्कि संसार में जितने भी प्राणी हैं सबकी जिंदगी केवल 7 ही दिन की है और मरना भी सबको है। और दिन तो 7 ही है, 8वां दिन तो ब्रह्मा जी ने 8 दिन तक नहीं बनाया, लेकिन कभी विचार किया आपने, इन 7 दिनों में भी लोगों की अलग अलग च्वाइस है, अलग अलग पसंद है। कोई सोमवार को ज्यादा मानता है तो कोई मंगलवार को ज्यादा मानता है, कोई बुधवार को ज्यादा मानता है। अच्छा एक चीज हमने यहां तक देखा, जिस दिन को लोग ज्यादा मानते हैं ना, चाहे वो छोटा काम करें चाहे बड़ा करें, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, करेंगे उसी दिन, दूसरे दिन नहीं कर सकते। लेकिन दिन तो सब एक ही है। शनिवारों को जो खराब मानता है, वो कहते नहीं अरे भाई तुम्हारे शनि तो बड़े खराब चल रहे, 7:30 ही लगी है। लेकिन रविवार से ले लो आप, रविवार से, रविवार को अगर हमने अभिमान नहीं किया, अपने घर में बड़े प्रेम पूर्वक रहे, अपने से बड़ों का सम्मान किया, आदर किया, सत्कार किया, तो सोमवार को हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में सुमित तो बनेगी बनेगी। और जो सोमवार को हमारे घर में सुमित बनेगी तो मंगलवार को मंगलाचरण भी होगा,
और जब मंगलवार को मंगलाचरण होगा तो बुधवार को सबकी बुद्धि भी ठीक रहेगी, और जब बुधवार को सबकी बुद्धि ठीक रहेगी तो गुरुवार को गुरु की कृपा होगी, और जब गुरुवार को गुरु की कृपा होगी तो शुक्रवार को शुभ काम होंगे। सनसर अगर खराब भी है तो कर भी क्या सकता है। मुझे लगता है ये जो सात बार है ना सात, इसमें अगर एक बार और मिला दिया जाए, बाल नहीं बार, तो ये सात बार जो है बड़े आनंद से कटते हैं। वो है परिवार। परिवार अगर आपका साथ दे रहा है ना तो ये सात बार बड़े अच्छे ढंग से कटते रहते, मालूम ही नहीं पड़ते। लेकिन क्षमा करे भाई, आजकल अब मैं देखता हूं कि बाहर की लड़ाइयां बंद है, अब घर की लड़ाइयां शुरू हो गई। अब परिवार का ही साथ नहीं मिलता, ये थोड़ा बदलाव है। कुछ समय पहले, कुछ साल पहले अगर दो चार चार भाई पांच भाई हुआ करते थे, अगर एक की शादी हो गई चार की नहीं हुई, वो बंटवारे के लिए कहा करता था तो सब लोग समझाते थे बंटवारे में क्या रखा है, अलग होके क्या करोगे, सम्मिलित रहो। रिश्तेदारों को बुलाया जाता था कि इसको समझाओ ये अलग हो रहा है। अब लड़की वाले अगर शादी करने जाते तो ये पूछते लड़का कितने भाई है, अलग रह रहा है या नहीं रहता है। बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्टा हो गया। उधर एक बात और कही, देखो ये सात दिन का संसार सिर्फ सात अक्षरों पर टिक गया, अपना मतलब, यहां तुम्हारे मतलब में कोई नहीं है। आप अगर किसी के पास में जाते हो तो उसके मतलब से नहीं बल्कि अपने मतलब से। आपके पास में अगर कोई आता है तो तुम्हारे मतलब से नहीं, अपने मतलब से। जगत में मतलब को भी हुआ, पुत्र कमाई करके धन लाभे तो माता करती प्यार, और पिता कहे ये पूत सपूता कल बंद होशियार, जगत में मतलब को भी हुआ। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, और जो उनको लायक न देवो तो फिर मुखड़ा लेती बिगार, जगत में मतलब को भी हुआ। यहां तुम्हारे मतलब में कोई नहीं है। जब कभी हमें एक बात और मेरे दिमाग में आ जाती है, मैं कहता तो नहीं हूं लेकिन आ रहा है, मरने के बाद भी लोग तुम्हारे मतलब से नहीं जाते। आप अगर मर जाओ या हम मर जाए तो मरने के बाद भी तुम्हारे मतलब से नहीं जाते, अपना मतलब सोच के जाते, अगर हम नहीं जाएंगे तो मेरे में कौन आएगा बताइए। मरने के बाद की सोच के जाते बताइए। कभी कहते हैं कि स्वार्थ के बिना कोई किसी का नहीं प्यारा, मतलब के बिना अच्छा। एक बात कहे, अक्सर लोग दुखी क्यों हैं, हर समय रोते रहते हैं, कहीं किसी बात को लेके कहीं किसी बात को। एक बात आपने सबसे ज्यादा सुनी होगी, किसी से बात करो वो यही कहेगा भाई एक दूसरे की प्रति मैंने उसको इतना चाहा, इतना प्रेम किया, मैंने इतना माना, जो कुछ उसने मांगा मैंने दिया, मैं हर समय साथ रहा, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? दिल तोड़ दिया। लोगों का दिल हाल टूट जाता है तत्काल, किसी ने ब्लॉक कर दिया दिल टूट गया, मैसेज नहीं भेजा तो दिल टूट गया है? लेकिन दिल को लगाते कि वो जो टूट जाता है, सच बताना, ये संसार
दिल से नहीं चलता है, ये संसार दिमाग से चलता है, दिल से नहीं चलता। और दिल अगर लगाओगे तो टूट जाएगा। विद्वानों का कहना है कि अगर दिल लगाना है तो परमात्मा में लगाओ और दिमाग संसार में लगाओ, तो दिल कभी नहीं टूटेगा, अच्छे ढंग से चलोगे, क्योंकि संसार दिमाग से चलता है। मतलब के बिना कोई किसी का नहीं प्यारा, सारथ के बिना उदाहरण के तौर पे देख लो आप। जब तक बैल चलावे हल में तब तक डाले चारा, बैल हल में चलता है बड़ी खुशामद होती है। अब कह रहे अब चलता तो नहीं है, चलता था, क्योंकि कुछ समय बीतने के बाद में ये इस गीत से ये लाइन बिल्कुल हटानी पड़ेगी, उदाहरण बिल्कुल हटाना पड़ेगा, क्योंकि लोग जानेंगे नहीं ये हल बैल क्या होता था। जब तक बैल चलावे हल में तब तक डाले चारा, ज्ञान सीख ले सारा, चेला बन के ज्ञान सीख ले भेद भाव ले सारा, सेवा को जब मौका लावे मतलब के मेला, एक नहीं बहु सासु से कहे डुकरिया देती जवाब करारा, बहु सासु से कहे डुकरिया देती जवाब करारा, एक बात कही है देखो, ये अपने दिमाग से निकाल दो कि मेरी जिंदगी केवल 7 ही दिन की है, मैं मर जाऊंगा, सबको मरना है, और तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएंगे। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, पहले तक तुम्हें नहीं डसेगा, अगर डस भी लिया तो तुम्हें अधोगति में भटकना नहीं पड़ेगा। बड़े ध्यान मग्न बैठ करके भागवत कथा को श्रवण करो, परमात्मा पर विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। और खैर परमपिता परमात्मा पर विश्वास तो करना चाहिए, लेकिन मैं देखता हूं कि भगवान के प्रति विश्वास कुछ लोगों का उठता जा रहा है, मैंने खुद देखा। अपने हाथों से अगर कोई अच्छा काम हो गया, अपने हाथों से अगर कोई अच्छा काम हो गया और किसी ने पूछ लिया भाई कैसे हुआ किसने किया, तो छाती ठोंक के कहता है हमने करो। और अपने हाथों से अगर कुछ बुरा हो गया फिर पूछो भाई कैसे हुआ किसने, अरे बोले भगवान ने बड़ो बुरू करो।
अच्छा किया हमने किया, बुरा किया उसने किया, हम और आप कर भी क्या सकते हैं। परमपिता परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष धन पावा। वो ये कहते हैं इससे पहले हम क्या क्या बनते रहे, क्या क्या करते रहे, पता नहीं कितने हमने कर्ज उठाए, तब जाके हमें ये मानुष धन मिला। वो कुछ और भी तो लिख सकते थे कि बड़े भाग हाथी धन पावा, बड़ा होता है ताकतवर होता है नहीं, या वो ये भी तो लिख सकते थे कि बड़े भागी गधा तन पावा, क्यों नहीं। अच्छा क्यों नहीं सोचो, ऐसा क्या है आदमी में जो जानवरों में नहीं है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कोई ज्यादा फर्क नहीं। भूख आपको लगती है तो उनको भी लगती है, डर अगर आपको लगता है तो उनको भी लगता है, सोना अगर आप जानते तो वो भी जानते, बच्चे पैदा आप करते तो वो भी करते, क्या फर्क है। एक बार ये जितने भी पशु बच्ची थे ब्रह्मा जी के नजदीक पहुंच गए और एक बात कहिए, आप हमें ये बताइए बड़े भाग मानुष तन पावा, आदमी क्यों हम क्यों नहीं, ऐसा क्या है आदमी के अंदर जो मेरे अंदर नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने एक चतुर चालाक आदमी को ही बुला लिया, बोले अब आपस में अपनी बातें कर लो। बस बच्ची कहने लगे ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो मेरे अंदर नहीं है, बड़े भाग मानव तन बाबा तुम क्यों हम क्यों नहीं। तो आदमी बोला मेरे शरीर में ताकत है, मैं ताकतवर हूं। शेर सामने पहुंच गया, बोले हमसे बड़े ताकतवर हो, हमसे बड़े ताकतवर नहीं हो तुम। जब कोई ताकत वाला काम करते हो और गांव की किसी गली से जब गुजरते हो तो देखने वाले लोग ये कहते देखो शेर आ रहा है, और शेर को देख करके कभी किसी ने ये कहा कि देखो आदमी आ रहा है, हमसे बड़े ताकत बन रही। तो आदमी कहने लगा मैं चतुर हूं चालाक। कौआ सामने पहुंच गया, बोले हमसे बड़े चालाक नहीं। और आदमी जब हट गया बोला मैं कुछ नहीं मैं मूर्ख हूं। तो गधा सामने पहुंच गया, बोले हमसे बड़े मूर्ख हो। भाई तुम जब कोई मूर्खता का काम करते हो और लोग जब देखते हैं तो सब यही कहते हैं बिल्कुल गधा है, हमसे बड़े मूर्ख नहीं। लेकिन नहीं, कोई ज्यादा बड़े फर्क नहीं है, वो ना ही तो परमपिता परमात्मा का भजन कर सकते हैं, ना ही किसी के दुख में हाथ बटा सकते हैं, ना ही अपना दुख किसी से कह सकते हैं, ना ही उनके पास में बुद्धि है विवेक है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, इसका निर्णय नहीं कर सकते। ये सब हमारे तुम्हारे अंदर है। वैसे एक बात और कहे, भगवान ने पशु पक्षियों के अंदर जितना ज्ञान दिया है वो उसी के अनुसार चल रहा है अभी तक, और अगर नियम को तोड़ने वाला कोई है तो सिर्फ एक आदमी है बस। हर तरीके से नियम तोड़ने वाला केवल एक आदमी है। आठ वेद के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त होने के बाद में भोजन नहीं करना चाहिए, और बताइए कौन पशु पक्षी करता है, सारे दिन इधर उधर घूमते रहेंगे, शाम को अपने घोंसले में आ जाएंगे अपनी जगह पे आ जाएंगे, रात में कोई भोजन नहीं करेगा, वो केवल आदमी है। आदमी को रात में 2 बजे जगा के खिला दो खा लेंगे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जागना चाहिए, हर एक पशु पक्षी जग जाते, सोता कौन रहता केवल आदमी, सूर्य निकला है कोई मतलब नहीं। अच्छा सच बताना, कभी किसी दिन किसी पक्षी ने या पशु ने ये कहा हो मैं आज मैं तो बड़े आराम से सोऊंगा आज नहीं उठूंगा, केवल आदमी। और इसीलिए हमें लगता है कि जब हमारे नियम ही टूट गए हॉस्पिटल किसके ज्यादा है बताइए, आदमियों के या जानवरों के।
भाई वो तो अपने नियम से ही चल रहे हैं, उनके हॉस्पिटल भी नहीं, कोई बीमारी नहीं होते, केवल आदमी बीमार होता है। वो भगवान ने जाने मार्केट में देखो खाने के लिए क्या क्या आ गया, और लोग खाते भी बड़े चाव से हैं। हाँ, मुझे तो नाम भी नहीं मालूम क्या बर्गर डोसा चाउमीन। परमपिता परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें मानुष तन दे दिया है। अगर कहीं कुछ और बना देता तो ये अनमोल रत्न उसने हमें दे दिया जिसकी कोई कीमत ही नहीं। बताइए शरीर की क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं। लोगों के पास में पैसा नहीं रहता है तो सोचते मैं बड़ा गरीब हो गया। अरे पैसे नहीं तो गरीब हो गए। एक लड़का महात्मा जी के नजदीक गया, बोले बाबा जी मैं बहुत गरीब हूं, मैं मरा जा रहा हूं, ऐसा करो आप हमें 50,000 रुपए दे दो। बाबा जी कहने लगे हमें 1,00,000 रुपए देंगे, आप अपना एक हाथ कटवा दो। लड़का कहने लगा बाबा जी 1,00,000 रुपए हाथ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। बोले हम 4,00,000 रुपए देंगे, दोनों हाथ कटवा दो। बोले बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बोले 10,00,000 रुपए देंगे, दोनों आंखें फड़वा दो। नहीं माना तो महात्मा जी बोले बेटा गरीब कहां से हो, ये अनमोल रत्न तुम्हारे पास में है, इसकी कोई कीमत नहीं है, और पैसे नहीं तो तुम गरीब हो गए। अच्छा ऐसा नहीं है कि वो हमें देखता नहीं है, ऐसा नहीं है वो हमें नहीं देखता है, सब देखता है। अच्छा एक बात सोचो, शायद याद करो,